चुका हूँ हज़रतगंज, हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के पास, और अब मैं जाने वाला हूँ रॉयल कैफ़े, जो कि हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के एकदम पास लोकेटेड है। यहाँ की मैं ट्राई करने वाला हूँ बास्केट चाट, जो कि काफ़ी फेमस कही जाती है। तो आई विल ट्राई दैट एंड एक्सप्लोर कि कैसी है ये बास्केट चाट। सो लेट्स गो। ये बास्केट चाट आ चुकी है, जिसका रेट है 275। एंड अब इसको खा के देखते हैं कि कैसी है ये। और साथ में इन्होंने हाजमोला भी दिया है, ताकि इतना ज़्यादा खा के शायद पच जाए, शायद इसीलिए। आई डोंट नो इसका फंडा क्या है, पहली बार ही देख रहा हूँ चाट के साथ हाजमोला, और वो भी ऐसी लिक्विड टाइप। अब इसको खाने का वक्त आ चुका है, थोड़ी सी ऐसे तोड़ने का। टू बी फ्रैंक, जितनी वाह वाही है उतना कुछ खास नहीं है। इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर चाट खाई भी है ज़िंदगी में, तो इट इज़ जस्ट डिसेंट। द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस बास्केट चाट इज़ दिस छोले, और कुछ अच्छा नहीं लगा इधर। आई एम नॉट वेरी क्रिटिकल वैसे, बट अच्छा नहीं है उतना जितना सुना है नाम इसका। नाउ आई एम एट हेज़लनट फैक्ट्री, जो कि बिल्कुल हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के एकदम पास है। यहाँ पे हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन है, देखिए इधर, और यहाँ से आप आएंगे तो हेज़लनट फैक्ट्री बेकरी स्वीट्स मिलेगा। बहुत ही क्लासी जगह लग रही है देखने पे, तो देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। छेदी लाल शेक्स एंड जूसेस, यहाँ का शेक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंगो शेक। तो देखा मैंगो शेक टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि कैसा है। तो ये आ चुका है मैंगो शेक, यहाँ का फेमस मैंगो शेक। गर्मियों के दिन मैंगो शेक पीना इज़ रियली वेरी गुड, और जो ठंडक पहुँचती है पीने में बहुत ही अच्छा होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इतना हैवी भी नहीं है अगर देखा जाए तो। इट इज़ अ मस्ट ट्राई अगर आप मैंगो शेक के दीवाने हैं, और अगर इधर से गुजर रहे हो तो छेदी लाल आना ज़रूरी बनता है। इधर और भी शेक्स है वैसे, किटकैट शेक और काफ़ी ज़्यादा शेक्स है, बट मुझे प्रेफरेंस है ये मैंगो शेक की, तो आई एम ड्रिंकिंग दिस। सो इवन इफ़ यू ऑर्डर विदाउट आइसक्रीम तब भी सेम रेट है, और विद आइसक्रीम भी सेम रेट है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 90 रुपीज़ का है ये मैंगो शेक एंड टोटल बर्थ है। आपका शुभ नाम क्या है? उमेश कुमार वैस। उमेश कुमार वैस, तो ये आपकी दुकान कब से है वैसे? ये 1922 की है। 1922 अप्रैल की। तो
आप बेचते हैं? सिर्फ शेक्स और उसमें डील करते हैं हमेशा से? आज हमारे लिए शेक का काम हो गया लगभग 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। 60 साल हो गया। पहले पान की दुकान थी मेरी। अच्छा, पान सिगरेट सिगार की दुकान थी पहले। तो वो है अभी? हमने वो ख़त्म कर दिया आज 60 साल पहले। अच्छा, मत दिया। आपका ये मैंगो शेक वैसे काफ़ी अच्छा लगा। और भी मतलब और भी कुछ जो फेमस होगा इधर? नहीं, ये सब बेचते हैं, ये सब बेचते हैं। उससे मिलती नहीं है, इसमें इसमें लाइन लगी रहती है। और हमारे हमारे बाबा जी हैं, पर बाबा भी छेटी लाल राम प्रसाद वै, छेटी लाल और मेरे बाबा जी राम प्रसाद वै। अच्छा, उनके लड़के थे, 5 भाई थे, शिव राम, राम राम, हनुमान, जगदीश, राजकुमार। अब उनके लड़के, 5 के लड़के हम लोग हैं। मेरा नाम उमेश कुमार है सर, शिव लाल जी के लड़के हैं। तो इधर एक ही ब्रांच एक ही है या फिर और भी कई है? नहीं यार, ब्रांच तो मेरा एक ही भी है। ये मेरा होटल भी है, बहुत बड़ा बना हुआ है। अच्छा, कैंट रोड पे इसी नाम से बना हुआ है। तो आपने टर्किश आइसक्रीम के बारे में काफ़ी सुना होगा, पर लखनऊ में शायद ही आपने देखी होगी। तो मैं आ चुका हूँ लखनऊ के टर्किश आइसक्रीम में और शाहिद भाई के पास। इसकी लोकेशन मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे कलकत्ता रगेलिया के बिल्कुल अंदर गली में ये है टर्किश आइसक्रीम। आई लव गज़ल, गज़ल नाम से स्टोर है। और ये भाई अपना करिश्मा दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। आइसक्रीम में अकेले बैठ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। पहली बारी ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ वीडियोस में देखी थी, बट अब खुद आइसक्रीम। और इसी के साथ हमारा दिन समाप्त होता है। और ये आइसक्रीम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, फन भी आया। 100 रुपये की टोटल, गुड वन।